નમસ્તે, કેમ છો એન્ડ વેલકમ બેક ટુ ધી ચેનલ. વિધાઉટ એની ડાઉટ આઈ એમ ખુશાલી હિયર. ઓર 5 મિનિટ્સ ઇંગ્લિશ ગ્રામર કી જો હમારી સિરીઝ ચલ રહી હૈ ઉસમે એક ઓર વિડિયો મેં આપકે લિયે આજ લેકે આઈ હું, જિસમે કી હમ દેખેંગે લિટલ, અ લિટલ ઓર ધ લિટલ, ઇનકા યુઝ કિસ તરહ સે હોતા હૈ. દેખિયે અભી અભી મેને ઇસી તરહ કા વિડિયો ફ્યુ કે ઉપર લગાયા થા, રાઈટ, કે ફ્યુ, અ ફ્યુ ઓર ધ ફ્યુ કા યુઝ કિસ તરહ સે હોતા હૈ. અગર આપને ઉસ વિડિયો કો દેખા હૈ તો આપ ઇસ વિડિયો કો બહોત હી ઇઝીલી સમજ પાઓગે. તો દેખતે હૈ ક્યા હૈ રૂલ્સ. देखिए, ये जो लिटल, अ लिटल और द लिटल है, ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है. इनका यूज़ एडजेक्टिव की तरह होता है और इनका यूज़ सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ ही होता है. को ध्यान में रखना है, लिटल, अ लिटल और द लिटल का यूज़ सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ ही होता है, जबकि फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का यूज़ होता है काउंटेबल नाउन्स के साथ, राइट. तो अगर आपको ऑप्शन में लिटल भी दिया है और फ्यू भी दिया है, तब आपको देखना है कि जो हमारा नाउन है वो कौन सा है, अनकाउंटेबल है या फिर काउंटेबल है. अब हम देखते हैं लिटल, अ लिटल और द लिटल, इन तीनों में क्या डिफरेंस है. तो सबसे पहले देखिए, लिटल का जो यूज़ होता है ना, वो नेगेटिव अर्थ में होता है या तो फिर इनसफिशेंसी को दिखाने के लिए. यानी कि अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास थोड़ा सा ही पानी है इसलिए मैं तुम्हें नहीं दे पाऊँगी, तो ये क्या हो गया, ये हो गया नेगेटिविटी. या तो फिर मैं बोल रही हूँ मेरे पास सिर्फ थोड़ा सा ही पानी है इससे मेरी जो तरस है वो नहीं छिपेगी, तो ये क्या होगा, ये इनसफिशेंसी दिखा रहा है कि मेरे पास थोड़ा सा पानी है लेकिन वो मेरी ज़रूरत से क्या है, कम है. तो ऐसे सेंस में लिटल का यूज़ होता है. अगर मैं बात करूँ अ लिटल की, तो इसका यूज़ होता है पॉजिटिव सेंस में. यानी कि मैं बोल रही हूँ अगर कि मेरे पास अभी भी थोड़ा सा पानी है उसमें से मैं थोड़ा तुम्हें दे सकती हूँ, मतलब कि मैंने पॉजिटिव बोला कि थोड़ा सा है उसमें से मैं आपको थोड़ा दे सकती हूँ, तो ऐसे सेंस में अ लिटल का यूज़ होता है. या तो फिर सफिशियंसी दिखाने के लिए कि मेरे पास थोड़ा सा पानी है वो मेरे लिए पूरे दिन के लिए काफ़ी है, तो ये क्या हो गया, ये सफिशियंसी को दिखाता है. सो सिंपल सी बात है, अगर नेगेटिव सेंस है या तो फिर इनसफिशियंसी है तब लिटल का यूज़ करना है, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है और सफिशियंसी को दिखाना है तब अ लिटल का यूज़ होता है. अब अगर बात करें द लिटल का, तो इसका किस तरह से यूज़ होता है. देखिए, ऑल दैट इज़ लेफ्ट, यानी कि अगर मैं बोल रही हूँ मेरे पास थोड़ा सा ही पानी है और वो सारा का सारा मैंने विजय को दे दिया, मतलब क्या हो गया, जितना था वो सारा का सारा दे दिया, तो वैसे केसेस में द लिटल का यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास जितनी कॉफ़ी थी वो सारी की सारी मैंने उन्हें ऑफर कर दी, यानी कि जितनी थी वो सारी की सारी, राइट. तो वैसे केस में द लिटल का यूज़ होगा. अब एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं, देखिए, आई हैव लिटल वाटर. देखिए यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग एरर है तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा. आई हैव लिटल वाटर टू ड्रिंक सो आई कांट गिव यू. अब देखिए यहाँ पे क्या है, मेरे पास थोड़ा सा ही पानी है इसलिए मैं तुम्हें नहीं दे सकती, तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है इसीलिए यहाँ पे लिटल का यूज़ हुआ है. नेक्स्ट देखिए, आई हैव अ लिटल वाटर टू गिव यू. अब देखिए क्या बोला है, मेरे पास थोड़ा सा पानी है तुम्हें देने के लिए, तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस हो गया इसलिए अ लिटल का यूज़ हुआ है. लास्ट एग्जाम्पल, आई हैव गल्प्ड डाउन द लिटल वाटर आई हैड. मेरे पास जो थोड़ा सा पानी था वो भी मैंने गिरा दिया, राइट. तो जितना थोड़ा सा था वो सारा का सारा क्या कर दिया, गिरा दिया, यानी जितना था वो पूरा का पूरा, ऐसा यहाँ पे सेंस है इसलिए यहाँ पे यूज़ हुआ है द लिटल का. तो ये रूल्स तो अब आपको समझ में आ गए होंगे. अब हम इसकी एक्सरसाइज को एक बार सॉल्व कर देते हैं. और देखिए, ऐसे मैंने और भी 5 मिनट्स इंग्लिश ग्रामर के वीडियोज़ बनाए हुए हैं और आगे भी बनाने वाली हूँ. तो इसमें मैं क्या करती हूँ, जनरली इसी तरह से कोई एक टॉपिक उठाती हूँ और उसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ. सो अगर आप वो सारे वीडियो देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हो. एक्सरसाइज देखते हैं फर्स्ट क्या है. आई हैड डैश मनी सो आई बॉट नथिंग. तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे नाउन को. तो नाउन है हमारा मनी, राइट. तो मनी जो है ये क्या है हमारा, ये एक हमारा अनकाउंटेबल नाउन है. अगर यहाँ पे होता रुपीस, राइट, तो रुपीस ये क्या है, ये हमारा काउंटेबल नाउन है क्योंकि रुपीस को हम गिन सकते हैं. लेकिन मनी जो है ना वो अनकाउंटेबल नाउन है. फॉर एग्जांपल देखिए, अगर हम क्वेश्चन भी पूछते हैं तो हम कैसे पूछते हैं, हाउ मच मनी डू यू हैव, राइट. तो हाउ मच का यूज़ करता है, या हाउ मच भी हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही लगाते हैं. सो आपको ध्यान में रखना है, ये जो मनी है ना ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए अब इसके साथ हम लिटल, अ लिटल या तो फिर द लिटल में से किसी का यूज़ कर सकते हैं. अगर यहाँ पे होता रुपीज़, तब हम फ्यू, अ फ्यू या तो फिर द फ्यू में से किसी का यूज़ करते. तो अब यहाँ पे देखते हैं किसका यूज़ होगा. आई हैड डैश मनी सो आई बॉट नथिंग. अब यहाँ पे आप समझ सकते हो कि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है कि मेरे पास थोड़े से ही पैसे थे इसलिए मैंने कुछ नहीं खरीदा. तो ये नेगेटिव सेंस में है इसीलिए यहाँ पे यूज़ होगा हमारा सिर्फ लिटल.
नेक्स्ट देखिए, देयर इज डैश कॉफी इन योर कप, विल यू हैव मोर, यानी आपके कप में सिर्फ थोड़ी सी ही कॉफी है तो क्या आप और कॉफी लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये एक पॉजिटिविटी तो दिखा ही रहा है कि आपके पास अभी भी थोड़ी कॉफी है, लेकिन फिर भी अगर आपको और कॉफी चाहिए तो वो पूछ रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है कि कप में थोड़ी सी कॉफी है, इसलिए यहाँ पे हमारा यूज होगा अ लिटल। डैश मिल्क आई हैज़ बीन ड्रैंक बाई कैट। तो सबसे पहले देखते हैं हम मिल्क, मिल्क क्या है, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए यहाँ पे हम लिटल का यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं, आई डैश मिल्क आई हैज़ बीन ड्रैंक बाई कैट, यानी जो थोड़ा सा दूध था मेरे पास वो बिल्ली ने पी लिया, राइट। तो जितना थोड़ा सा था वो सारा का सारा, जितना था वो सारा का सारा बिल्ली ने पी लिया। तो जब भी ऐसा सेंस होता है कि जितना था वो सारा का सारा, तब हम किसका यूज़ करते हैं, तब हम यूज़ करते हैं द लिटल का। नेक्स्ट, आई हैव डैश जूस, आई कैन गिव यू सम, जूस अनकाउंटेबल नाउन है। अब देखिए, आई हैव डैश जूस, जो थोड़ा सा जूस है उसमें से मैं आपको थोड़ा सा दे सकती हूँ, तो ये भी एक पॉजिटिव सेंटेंस है इसलिए यहाँ पे यूज़ होगा हमारा अ लिटल। सो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। सो अगर आप नेक्स्ट वीडियोस को मिस करना नहीं चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा और इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।